Hi everyone. This video is in continuation to our chapter number नंबर from the diary of Anne Frank. So सो वी आर ऑन पेज नंबर फिफ्टी टू इससे पहले तक हमने क्या देखा था कि अभी तक एंड फ्रेंक सिर्फ हमें एक ब्रीफ बैकग्राउंड दे रही हैं अपने लाइफ के बारे में अपने फैमिली के बारे में अपने थॉट्स के बारे में नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द प्रेजेंट डेट उन्होंने लास्ट एंड ऐसे करा था कि विच टेक्स मी टू द प्रेजेंट डेट

मतलब कहना चाह रहे हैं वो कि क्लास कौन सी क्लास फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास सिमिलर टू दैट यहाँ पर फॉर्म वर्ड का यूज हुआ है एंड वो कहती है इंटायर इज शेकिंग और ट्रेबलिंग इन इट्स बूथ तो आपकी आदत होती है दैट यू शेक योर लेग्स और यू शेक योर हैंड्स वेन डू यू डू दैट वेन यू आर अबिट नर्वस अबाउट समथिंग और यू आर अबिट यू नो वरीड अबाउट समथिंग तो यहाँ पर इस वरी का और इस नर्वसनेस का मीनिंग क्या था इसीलिए हो रहा था ये सब क्यों क्योंकि क्यों उनके रिजल्ट्स आने वाले थे कि कौन लोग प्रमोट होंगे और कौन लोग पीछे वाली क्लास में रह जाएंगे सो आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूथ द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन व्हिच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप बैक हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स Gn and I thought ourselves, and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, Cn and Jacks, who have staked their entire holiday savings on their bet. From morning to night, it's you're going to pass. No, I'm not. Yes, you are. No, I'm not. Even G's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. If you ask me.

तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती हैं टीचर्स की उनका मूड स्विंग्स हो सकते हैं कोई बात उन्हें नहीं अच्छी लगी तो उसकी वजह से उनके डिसीजन पे फर्क पड़ सकता है सो दैट्स व्हाई शी सेज टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल ऑन अर्थ आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माय गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ विल मेक इट वो कहती है मैं और मेरी जो सहेलियां हैं मुझे हम लोगों की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हमारा हम लोग का पास होना तो पक्का है The only subject I am not sure about is maths. Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. तो वो यही कहती हैं कि मेरे हिसाब से मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक अपने subject में मेरे को एक subject में doubt है वो है maths का subject. बाकी सब subject के लिए I am very very sure कि मैं pass हो जाऊँगी. ओनली सब्जेक्ट टाइम नॉट शोर इज मैथ एनी वे ऑल वी कैन डू इज वेट एंटिल देन वी कीूज हार्ट तब तक हम एक दूसरे को सहारा देते रहते हैं कि वी शुड नॉट लूज होप वी शुड नॉट लूज हार्ट और हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए मैन एंड टू वुमेन Mr Keesing the old foggy of uh, who teaches maths was annoyed with me for ages because I talked so much after several warnings he assigned me extra homework an essay on the subject a chatterbox a chatterbox what can you write about that i would worry about that later i decided i jotted down the title in my notebook tugged it in my bag and tried to keep quiet so क्या होता है ना कि उसको सिर्फ मैथ्स सब्जेक्ट से डर लगता है एंड मैथ्स का ही जो उसका टीचर है मिस्टर कीजिंग सो ओल्ड फौजी इज कौन एन ओल्ड पर्सन ओल्ड फैशनड पर्सन जो आपकी बुक में भी मेंशनड है सो शी सेज कि जो उसका मैथ्स टीचर है वो बहुत ज्यादा अननोइड रहता है उससे वाई बिकॉज़ शी टॉक्स अ लॉट वो एक जो जो बच्चे बहुत ज्यादा बातें करते हैं क्लास में बैठकर यूजुअली

अब एन फ्रैंक सोच रही है कि ये कैसा टॉपिक है इसपे मैं क्या लिखूंगी ऐसे कैसे लिखूंगी पूरा सो बट फॉर दैट टाइम शी कि कोई बात नहीं मैं अभी के लिए चुप हो जाती हूँ चुप होने की कोशिश करती हूँ इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगी दैट इवनिंग आफ्टर आई फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क द नोट अबाउट द एस कॉट माई आई आई विज्ञान थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट ंग दिप ऑफ माई फाउंटेन पेन सो दिसंटेन पेन आप की भी है, जब आप क्लास में या पेंसिल से कुछ लिख रहे होते हो चूइंग द टिप ऑफ देंसिल वॉट एवर यू आर होल्डिंग तो ये कब होता है यूजली वेन यू आर इन योर डीप थॉट तो आप अपने सबकॉन्शियस में आकर वो पेन की टिप को चू करने लग जाते हो या पेन मुंह में रख लेते हैं कई बच्चे बहुत बहुत देर के लिए क्योंकि उन्हें रियलाइज नहीं होता कि इतनी देर हो गई है एंड देर इन देर थॉट सिमिलर ने अपना होमवर्क खत्म कर लिया था बाकी का उसके बाद उन्हें वो अपना नजर आया नोट जो उन्होंने लिखा था एस से ऑन चार्टर बॉक्स तो उसके बारे में फिर वो सोचने लगी एंड सोचते सोचते ही स्टार्टेड चूइंग द टिप ऑफ अर फाउंटेन पेन

तो हम क्या करते हैं हम लोग भी यही करते हैं कि उसमें हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं सामने वाले को या पढ़ने वाले को थोड़ी कंफ्यूजन हो जाए एंड वो हमें बस ओके okay कर दे या मार्क्स दे दे तो वो यही कह रही है कि सबकी तो यही टेंडेंसी होती है कि वर्ड्स लिखते हुए आप उसमें बहुत सारे गैप्स दे दो लाइंस छोड़ो दो दो तीन तीन, तीन ताकि वो ऐसा लगे कि बड़ा अच्छा खासा आंसर है बट कंटेंट वाइज इट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग सो एन फ्रेंक से मैंने सोचा कि मैं भी ऐसे कर सकती हूं लेकिन नहीं उन्होंने कहा मैं अपना आंसर कुछ ऐसे लिखूंगी कि वो यूजफुलनेस ऑफ टॉकिंग बताए कि कि कैसे की कैसे ट्रिक वाज टू कम अप विद अ कन्विंसिंग आर्गुमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग कि टॉकिंग इज नेसेसरी आई थॉट एंड थॉट एंड सडनली आई हैड एन है आई रोट द थ्री पेजेस mr Keezing had assigned me and was satisfied i argued that talking is a student's trait and that i would do my best to keep it under control but that i would never be able to cure myself at uh, myself of the habit since my mother talked as much as i did if not more and that there is not much you can do to about

Uh, का कन्वे हो तो उसने उसमें यही लिखा थ्री पेज लंबा लिखा एंड उसमें उन्होंने यही लिखा कि टॉकिंग जो है वो एक स्टूडेंट का ट्रेट है ट्रेट मतलब क्वालिटी है एंड दैट इट कैन नॉट बी क्योर्ड मतलब आप इसको बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते येस यू कैन ट्राई टू पुट इट कीप इट अंडर कंट्रोल एंड साथ ही उन्होंने एक और रीजन दिया कि

जैसे आपके पेरेंट्स अगर कोई बहुत शांत रहते हैं तो यूजुअली बच्चे भी उनके बहुत शांत ही होते हैं अगर पेरेंट्स बहुत ज्यादा टॉकेटिव होते हैं तो बच्चे भी बहुत टॉकेटिव होते हैं सो दैट इज कॉल्ड एन इनहेरिटेड ट्रेट एंड क्या होता है कि हम इस इनहेरिटेड ट्रेट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते ठीक है सो मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माय आर्ग्यूमेंट्स बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माय वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन He assigned me a second essay. तो जब वो लोग नेक्स्ट लेसन पे पहुंचे तो उन्होंने एक और एस ए पकड़ा दियान अबाउट होल लेसन

एंड फ्रेंक को एक और ऐसे पकड़ा दिया दो ऐसे दो लेसन तक तो एन फ्रेंक को कुछ नहीं बोला लास्ट ऐसे में आते, थर्ड लेसन में आते आते एक और ऐसे पकड़ा दिया विद और भी ज़्यादा जो था उसका क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चार्टर बॉक्स सो ये टाइटल सुनते ही पूरी क्लास बहुत ज्यादा जोर से हंसने लगी द क्लास रोड I had to laugh too. so in order to uh, save the embarrassment, and Frank also started laughing. I had to laugh too, though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatter boxes. It was time to come up with something else, something original. ऑलरेडी दो एसेज इतने लंबे लंबे एसेज लिख चुकी थी चार्टर बॉक्स के बारे में या चार्टर बॉक्स से रिलेटेड एक और टॉपिक के बारे में नाउ शी सेज कि अब मैं आई रनिंग आउट ऑफ आइडियाज दो पूरे एसेज लिख दिए एक टॉपिक पर तो उसके बाद आप ऑब्वियसली और नए पॉइंट्स लाने में आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा तो उसने क्या किया अपनी एक फ्रेंड की हेल्प ली माई फ्रेंड Sunny, who's good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I'd make sure the joke was on him. So, कहाँ तो Mr. Keesing was trying कि अब मैं Anfrank को इतनी punishment दूँगा तो वो शायद अपनी बाते control करेगी या शायद वो बाते करना बंद कर देगी. लेकिन नहीं एंड फ्रेंक ऑल्सो नॉट लूज मानी वो भी कम के साथ आती थी हर बार इनोवेटिव ऐसे के, के साथ जो एक्सपेक्टेड नहीं होता था मिस्टर कीजिंग को वो कहती है इट वॉज about a mother duck and a father swan with three baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Keezing took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Keezing always making jokes these days. So see, we now know, ki kaise एंड फ्रैंक के कम ने कैसे वो उसकी काइंड ऑफ पनिशमेंट को इतना सीरियसली लिया कि अब उसको मिस्टर कीजिंग ने अलाउ ही कर दिया कि ओके यू कैन टॉक मतलब अब उसको वो टोकते नहीं थे ना ही वो इतना अनोय होते थे सो बिकॉज उसकी वो जो पोयम थी वो पोयम की फॉर्म में उसने अपना लास्ट ऐसे लिखा एंड वो सबको बहुत ज्यादा पसंद आया इंक्लूडिंग मिस्टर कीजिंग तो उन्होंने बाकी क्लासेस में भी वो अपनी पोयम वो पोयम एन फ्रांकी सबको सुनाई सो दिस इज वॉट अ टीचर लाइक्स सम स्टूडेंट्स आंसर और सम स्टूडेंट्स पर्टिकुलर मे बी अ पेंटिंग और अ ड्राॅइंग तो वो ट्राई करती हैं कि बाकी सब बच्चों को एज इंस्पिरेशन दिखाएं और बताएं तो सिमिलर थिंग मिस्टर कीजिंग डिड ही रिसाइटेड दैट पोएम इन अदर क्लासेज एज वेल एंड ही लाइक डिट वेरी मच तो एन फ्रैंक ने अपने उस पनिशमेंट को ऐसे मोल्ड किया कि वो मिस्टर कीजिंग के ऊपर ही वापस हो रहा था और बैकफायर कर रहा था इवेंचुअली मिस्टर कीजिंग हैड तो गिव इन एंड उन्होंने उसको आगे से कोई और होमवर्क एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन नहीं करा बल्कि हमेशा जोक्स बनाते थे मतलब इतना अनॉय नहीं होते थे सो दैट वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर द एक्सप्लेन एंड हम लोगों ने uh, कैसे देखा And Frank अपनी सारी फीलिंग्स अपनी इस डायरी में लिखती थी एंड बिकॉज उनके कोई रियल फ्रेंड नहीं था जिससे वो एक्सप्रेस कर पाए तो वो इस सारी छोटी छोटी चीजें भी एज स्म एज की उनकी क्लास के स्टूडेंट नर्वस थे क्यों क्योंकि उनका रिजल्ट आने वाला था ये सब छोटी छोटी बातें जो आप यूजुअली अपने खास दोस्त से कर सकते हो इजीली ये सब वो अपनी उस डायरी में किटी में लिखती थी ओके। सो लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक इट आई विल डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस आपकी बुक से ही

She felt that there was no friend who could listen to her with enough patience or who could listen to her with her uh, to her endless stories and feelings. Okay, then we can discuss this question. Why does Anne provide a brief sketch of her life? Yeah, this is given at the bottom of the page and feels it would be weird just to simply put down facts without giving a background in case someone might read it in future that person will not be able to connect with the story that is why she decides even though she did not like to discuss it still she decided to give a brief background brief sketch of her life all right uh, then we can discuss the next question itself. What tells you that Anne loved her grandmother? Okay, Anne loved her grandmother. So we know the fact that she spent a lot of time during her childhood with her grandmother when her parents had moved or had migrated, and. Uh, she also explicitly mentioned in her diary that she misses her grandmother more than anyone is aware of and this is evident enough that she loved her grandmother very much and that she kept on missing her a lot after she died so you this is uh, this is how we know that and frank loved her grandmother also you can say that uh, when she was celebrating her birthday in the year next to her grandmother's death, she also lit up a candle in memory of her grandmother. Okay, so moving on to the next question. Why was Mr. Keezing annoyed with Anne? What did he ask her to do? So we know the answer. Mr Keesing was annoyed with Anne Frank because she was a very talkative child and because she used to uh, talk a lot in the class or uh, during her lectures because of which Mr Keesing used to get annoyed and in return as a punishment he asked her to do extra homework he asked her to write uh, essays on topics like a chatterbox or you can mention

So, two things she mentioned that uh, she tried to mold her essays in such a way that the essays conveyed what? The essays conveyed uh, the usefulness of talking. And uh, she also mentioned in her essays that talking is a trait of a student and that it can be controlled but not cured or curbed. And then she says that uh, talking. Comes naturally to her, it, she has inherited it from her mother, and we cannot do much about uh, the inherited traits. So, all these points you can mention in this answer. Next question What made Mr. Keezing allow Anne to talk in class? okay so we know the answer we just discussed this in our um, summary or explanation that when anne frank was given her third assignment a uh, topic uh, of which was quack 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 said mistress childhood uh, said mistress chatterbox when she was given her third assignment on this topic and frank wrote a, a verse which was a quite promising and quite interesting and which was also really appreciated by mr keasing that is when finally the professor allowed her to talk and when he finally stopped giving her extra homework and he was you know he made peace with it ठीक है तो ये हो गया हमारा आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है Um, was anne right when she said world would not be interested in the musings of a thirteen year old girl? we can say that it's a very general question. say yes, that she was right in thinking that the world would not be interested in the musings of a thirteen year old girl, as she was a common girl. And no one would know would want to know her feelings. So she thought that no one would def, uh, would ever come back and read her diary or would be interested to read her diary. Okay then we can discuss the third question why does Anne give brief uh, sketch about her family? Does she treat Kitty as an insider or an outsider?

मेक uh, श्योर sure कि कोई भी अगर इन फ्यूचर रीड्स हर डायरी दैट पर्सन शुड अंडरस्टैंड उसने इसीलिए सबको एक ब्रीफ स्केच बैकग्राउंड दिया अपने बारे में अपनी फैमिली के बारे में ये सब चीजों के बारे में एंड किटी को वो डेफिनेटली शी यूज टू ट्रीट एज एन इनसाइडर बिकॉज किटी के साथ वो अपनी वो सारी बातें शेयर करती थी जो वो किसी और से नहीं कर, कर पाती थी okay next question goes how does anne feel about her father her grandmother mrs Cooperus and mr keesing what do these tell you about her okay we can say that according to according to anne her father was the most lovable man one could ever come across and that she loved and missed her grandmother a lot even after she uh, was no more and uh, ex Miss Missus Cooperus uh, with Missus Cooperus also she shared a very special bond uh, because both of them cried at the farewell. So this shows us that um, and Frank used to get along with people very easily. That she was a very loving and affectionate person. Uh, also, Mister keezing when he was annoyed at her because of her uh, talking. She made sure that she comes back or she uh, writes her essays in such a manner that Mr. Keezing gets uh, comfortable with her talking. So, all these points you can mention. Next question says What does Anne write in her first essay? Okay. In her first essay, we can say that she mentions that Anne Frank mentions uh, that talking, uh, she tried to mold her essay in such a way that it uh, justifies the usefulness of talking. She mentions that talking can be, uh, she will try to control her talking, but she cannot, this problem cannot be cured. She also mentions that her mother talks as much as she does. And that is why this quality has been inherited from her mother, and uh, we cannot really do any much to uh, correct the inherited traits, or we cannot do much to change the inherited traits, you can say. Alright. So, next question now. Anne says teachers are most unpredictable. Is Mr. Keezing unpredictable? How? So we know. Yes Mr. Keezing is a very unpredictable person. He is angry with. And he was annoyed with Anne Frank. For being very talkative in class. And that is why he also gives her extra homework. Extra assignments to complete. But later. When he finds uh, her essays very interesting. And very um, very interesting and very uh, amusing, you can say. This brings a change in him, and he accepts her arguments and he accepts whatever she had written in her essays. So, that is why uh, he also develops, he also started instead of uh, arguing in the class, he started um, cracking jokes in the class. So, this change in nature on one hand, Kesevo Pelitna annoyed Reta Now, he has started becoming very like he has started making students comfortable. He used to crack jokes in the class. So, this all uh, covers your question answers for this chapter. Important points to note was uh, her feelings, why she kept her diary, and why Anne Frank was. Um, राइट ऑन अर एक्सप्रेस फीलिंग ऑनपर दैन अ पर्सन ये सारी चीजें हमें माइंड में रखनी है एंड सिट अबाउट द चैप्टर होप यू आर क्लियर विद इट थैंक यू फॉर वॉचिंग सी यू